कौन से फूड आइटम्स डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं या डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। जानिए कौन से 5 फूड आइटम्स हैं कि जो डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। देखो, हमने देखा है कि डिप्रेशन में दवाई तो लेना ही चाहिए। समझो वो एंडोजेनस डिप्रेशन है, मतलब दिमाग में हार्मोन का असंतुलन होने से डिप्रेशन आया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसमें दवाई लेना जरूरी है और दवाई लेनी ही चाहिए, एंटी डिप्रेशंस। कुछ कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं कि न्यूरोटिक डिप्रेशन है, मतलब कोई कारण वजह से डिप्रेशन आया हुआ है, बाहरी वातावरण में कोई कारण है और उसकी वजह से डिप्रेशन आया है, जैसा कि फाइनेंशियल लॉस है, रिश्ता टूटा हुआ है, नौकरी में प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम हमारे लाइफ स्टाइल में बदल करते हैं, खाने में बदल करते हैं तो फायदा हो जाएगा। तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं? नंबर 1, आप एक एप्पल रोज खा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि 1 एप्पल ए डे कीप्स यू अवे फ्रॉम योर डॉक्टर, कीप्स यू हैप्पी एंड हेल्दी इन अ डे। तो एक एप्पल रोज खाना है, और वो भी उसके छिलके निकाल के नहीं, विद छिलके खाना है एप्पल रोज। एक एप्पल में मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो डिप्रेशन में काम में आता है। नंबर 2, बादाम। रोज आप 5 बादाम दूध में भिगो के रखें रात को, और 1 कप दूध में 5 बादाम भिगो के रखना है। सुबह उठने के बाद में वो दूध जो है वो थोड़ा सा गुनगुना करना है, और 1 कप दूध उसमें थोड़ी सी टेस्ट के लिए शक्कर डाल सकते हैं, नहीं डाले तो भी अच्छा है, और वो 1 कप दूध 5 बादाम के साथ में आप पी सकते हो और बादाम खा सकते, चुभा सकते हैं। तीसरा आइटम जो है वो है दही। जो क्रीम वाला दही मिलता है वो दही लेना बहुत ज़रूरी है। दही में थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक या काली मिर्च डाल सकते हैं, या थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं बिल्कुल, और 1 कप दही आप लेते हैं, छोटा कप, और वो अच्छा क्रीम वाला दही लेते हैं तो दही भी अच्छा है। दही में भी मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, और कैल्शियम वैसा हड्डी भी मजबूत करने में काम में आता है। फिर चौथा आइटम है वो सौंफ। सौंफ तो हम कोई भी होटल में जाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमको सौंफ दी जाती है। सौंफ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है, और सौंफ से डिप्रेशन में, मतलब हमारा जो हार्मोन्स है वो हार्मोनल बैलेंस, डोपामिन सेरोटोनिन की मात्रा बैलेंस करने में सौंफ मदद करती है। तो सौंफ आप खा सकते हैं आधा चम्मच रोज रात को खाना खाने के बाद में, और रोज़ सुबह खाना खाने के बाद में, मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद में आधी आधी चम्मच भी आपने सौंफ खा लिया तभी वो बहुत फायदेमंद होता है। पांचवा आइटम जो है, पांचवा फूड आइटम वो है पपीता। पपीता आप लेते हैं तो 2 बड़े बड़े ऐसे उसके पीसे समझो आप लेते हैं, फ्रीज में रख दो बाकी, और सवेरे 2 पीस, शाम को 2 पीस लेते हैं। तो पपीता में सभी तरह के विटामिन हैं, अब नाम लो और विटामिन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब है उसमें, तो वो आप लेते हैं तो उसमें भी डिप्रेशन में काम में आता है। तो ये 5 फूड आइटम्स अलॉन्ग विथ, फिर आप दवाई लेते होंगे, दवाई कंटिन्यू करो, उसके साथ साथ यदि आप एक्सरसाइज करते हो, 6 से 8 किलोमीटर रोज चलना या दौड़ना, धूम्रपान मतलब सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी इससे दूर, और शराब ये नहीं होना, और एक्सरसाइज रोज करते हैं तो बहुत फ़ायदा डिप्रेशन के लिए हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार है डिप्रेशन का और बहुत फायदेमंद रहेगा। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू।